तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लाए हैं कुछ इस टाइप का होली फ़ोटो एडिटिंग। आप देख सकते हैं कितना औसम बेहतरीन लग रहा है देखने में भी। तो आज हम आप सब लोग को ऐसा फ़ोटो एडिटिंग बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का जो भी PNG है वो आप डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजली। तो अब चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारा पिक्सआर्ट ओपन हो चुका है। तो पहले हम अपने उस PNG को लेंगे, बैकग्राउंड जो होता है होली फोटो एडिटिंग का बैकग्राउंड, पहले हम उस बैकग्राउंड को लेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ है बैकग्राउंड हमारा। तो ये रहा हम लोग का बैकग्राउंड। इसको लेने के बाद फ्रेंड्स, हमने बैकग्राउंड अपना ले लिया है। और इसको हम बैकग्राउंड को हम पहले क्रॉप करेंगे इंस्टाग्राम साइज का। इस पर ओके करके ओके कर देंगे और इस फोटो को हम लोग रिसाइज कर लेंगे, जिससे ये होता है कि हम लोग का फोटो का क्वालिटी घटता नहीं है। रिसाइज करने के लिए देखिए जो नीचे दिखा रहे वही लिखेंगे। रिसाइज हो चुका है। अब अपने फ़ोटो में अपने मॉडल को ऐड करेंगे। इसके लिए ऐड फोटो पर जाएंगे और यहाँ से अपने मॉडल को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने फ़ोटो को पहले से ही कटआउट कर लिया है। अगर आपको कटआउट करना नहीं आता तो आप जाके डिस्क्रिप्शन मैं लिंक दे दूंगा कटआउट करने का, वहाँ से आप इजीली देख कर सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस फोटो को होली का वीडियो बनाते हैं। पहले हम इस फोटो को थोड़ा सा नीचे से इरेज कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने फोटो को सही से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद अपने हम लड़की वाले मॉडल को, गर्ल वाले मॉडल को ही इसमें लगाएंगे। देखिए इसको पहले हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। यहाँ से इरेजर ऑप्शन पर क्लिक करके इरेज कर लेते हैं इसको अपने चेहरे पर से। फ्रेंड्स, देखिए हमारा फोटो इरेज हो चुका है। अब यहाँ से हम सही के निशान पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब फिर से हम लोग इसी PNG फोटो, गर्ल वाली फोटो को ऐड करेंगे। और वैसे ही इसको भी क्रॉप करेंगे दोस्त। देखिए क्रॉप कर चुके हम। फिर से इस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर हाथ के बगल में जो ये दिखा दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लोग इरेज कर लेंगे।
बहुत आराम से आप लोग करिएगा, तभी आप लोग का फोटो अच्छे से बनेगा। मैं तो सिर्फ आप लोग को बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इतना हो जाने के फ्रेंड्स ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब फिर से हम क्लिक एट वाले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसमें कुछ PNG लगाएंगे। PNG हमारा रहेगा, ये हो गया ये। अब इसको इधर करके फुल स्क्रीन पर ले करके और यहाँ पर लगा देंगे, और इसको ब्लेंडिंग मोड जो होता है उसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे, 56 रख लेते हैं। उसके बाद इस वाले PNG को कुछ फुल जूम करके इधर इसको भी हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग देख ही सकते हैं हमारा फोटो कितना ऑसम लग रहा है। अब इस पर सही दिशा में क्लिक कर देते हैं, हो चुका है फ्रेंड्स। बस एक और PNG लगाना है, 2 PNG। अब हम पहले चेहरे पे कलर करेंगे अपने फेस पे। अब इसका भी हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग देख ही सकते हैं कैसा है इसका फ्रेंड्स। अब इसका हम लोग डुप्लीकेट बना लेंगे और इसके बगल में इस साइड भी लगा लेंगे इसी तरह। बस थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमारा कितना ऑसम फोटो लग रहा है लगाने के बाद। अब इसके बाद फ्रेंड्स एड फोटो पर जाएंगे, अब एक होली का PNG लगाएंगे, हैप्पी होली वाला, हैप्पी होली। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्किन कर देते हैं। देखिए हमारा फोटो बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे जाके ड्रॉ टूल में इसको सेव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इस फोटो को हम लोग लेके चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर दें जिससे दिखने में और भी बेहतरीन लगने लगेगा हम लोग का फोटो। तो चलिए अब चलते हैं अपने फोटो को लेकर लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग बताएं, मैं अपने फोटो को लेके आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। अब यहाँ से हम पहले लाइट पे क्लिक करेंगे, ये जो लाइट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को हल्का सा कम, शैडो को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ब्लैक वाइट को भी हल्का सा इंक्रीज करके ब्लैक को माइनस करेंगे। अब आप सब देख ही सकते हैं हमारा फोटो। अगर आप लोग को नहीं करना था तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, वैसे ही आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद कलर आइकन पे आएंगे और यहाँ पे जो मिक्स का आइकन दिखा रहा है, मिक्स का आइकन जो दिखा रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसके पहले वाले को थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिससे रेड कलर पे इफेक्ट देता है, और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके ह्यू को हल्का सा माइनस करेंगे। फिर आएंगे इस पर तो इस फेस पर हमारे कलर करेगा, हम लोग का फेस फिलहाल में सही है, इसको बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और आएंगे तीसरे नंबर पर ऑरेंज वाले पे, ऑरेंज वाले को ह्यू को फुल, ऑरेंज के सेचुरेशन को फुल कर देते हैं और
फिर इसके ह्यू को हल्का सा बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बगल में ग्रीन वाले पाएंगे, ग्रीन वाले के सेचुरेशन को फुल इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए हमारा फोटो इसके इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट वाले पे हल्का सा क्लैरिटी बढ़ा देंगे, टेक्सचर को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, बिगनेट को हल्का सा माइनस कर देंगे। अब फ्रेंड्स देख ही सकते हैं हमारे फोटो में आफ्टर बिफोर, बिफोर ए आफ्टर देख सकते हैं कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अब इस फोटो को हम लोग क्लिक करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी फोटो एडिटिंग? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आशा करते हैं कि इसी तरह बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो फोटो एडिटिंग हम आपको लेके आते रहेंगे। थैंक यू।